अब हम गनगौर की कहानी कहेंगे। सभी अपने अपने हाथ में गेहूं के दाने ले लें। राजा ने बोया जो चना, माली ने बोई दूब। राजा का जो चना बढ़ता जाए, माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कम्बल ओढ़ के सो गया। छोरी आए दूब लेने, कोई का हार कोसे, कोई का डोर कोसे। क्यों मारा हार कोसे, क्यों मारा डोर कोसे। 16 दिन पूरे हो जाएंगे तो पूजा पर दे जाएंगे। अच्छी बात है। 16 दिन हुए तो छोरी आई पूजा पर देने। मामा छोरा कहाँ गया है। छोरा तो गाय चराने गया है। छोरा आया, मामा छोरी आई थी। आई थी पूजा पर, लाई थी। लाई थी कहाँ रखा है। ओवरी में रखा है। ओवरी में एक लात मारी, दो लात मारी, ओवरी तो नहीं खुले। माँ ओवरी तो नहीं खुले। ओवरी नहीं खुले तो पराई जाई कैसे छावेगा, डूंगर के बाट कैसे धोएगा। माँ पराई जाई तो छाप लूंगा, डूंगर के बाट भी धो लूंगा, पर ओवरी तो नहीं खुले। तो माँ ने आंख में से काजल, मांग में से सिंदूर निकाला, छिटकी उंगली से छिटे दिए। ओवरी खुल गई, ओवरी खुल गई। तुम कौन, भूत के प्रेत। हम भूत प्रेत नहीं, हम ईश्वर गंगोर। हे पार्वती, जिसे मालिक को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहता सुनता हुंगारा भरता अपने सारे परिवार को का कल्याण करना। ये गनगौर माता। गनगौर की कहानी सुन लेने के बाद हम विंदायक जी की कहानी सुनते हैं। तो मैं यहाँ एक छोटी सी विंदायक जी की स्टोरी सुना रही हूँ। एक छोटी सी छोरी थी, भाटा का भाई किलोती, गोपुर का बिलोना बिलोती। एक दिन विंदायक जी महाराज अपना छोटा सा रूप धर के आए। बोले छोरी छाछ घाल। बोले महाराज छाछ का ये घालू, भाटा को तो भाई खिलाऊं, गोबर को बिलोनो बिलाऊं। विधायक जी महाराज बोले छोरी आंख मीच। छोरी ने आंख मीची तो सच्ची के भाई, सच्ची के बिलोने बहुत राजपाट हो गए। फिर विधायक जी महाराज अपना छोटा सा रूप धर के आए। बोले छोरी छाछ घाल। बोले महाराज छाछ का ही खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, मेरा भाई ने खिलाओ। ये विधायक जी महाराज जैसा उस छोटी सी छोरी पे टूटिए वैसे सबको पे टूटियो। कहता ने सुनता ने ओंकारा भरता ने अपने सारा परिवार पर।